नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। ओवरलोडिंग बस पर आरटीओ ने की जब्ती की कार्रवाई। आरटीओ को सूचना मिली कि एक बस जो बयाना की तरफ से आ रही है, जिसका नंबर MP07P1237 है, उसमें सवारियां बहुतायत में भरी हुई हैं, जिसकी सवारियां बाहर भी लटकी जा रही हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरटीओ ने उसकी सवारियों को उतार कर बस को जब्त कर लिया। आप लोग मीडिया बंधुओं की सूचना पर बस क्रमांक MP07P1237 ये ओवरलोड पाई गई है। इसको गायत्री मंदिर चौराहे से जब्त करके अभी आरटीओ ऑफिस में खड़ा किया जा रहा है। उसमें करीबन 20-25 सवारी ओवरलोड थी और सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग बाहर लटके हुए हैं उस बस में। तो उस बस को सारी ओवरलोड सवारी को नीचे उतारा गया है और बस को जब्त करके आरटीओ ऑफिस में खड़ा किया जा रहा है। प्रति सवारी के हिसाब से उसमें जो भी चालानी कार्यवाही होगी वो की जाएगी। अभी सर कागजों में कोई कमी वगैरह पाई? अभी कोई भी कागज़ प्रस्तुत नहीं किए हैं। अच्छा, जो कागज़ प्रस्तुत किए हैं वो अपर्याप्त हैं। कागज़ देखने के पश्चात कितनी कुल पेनल्टी बनेगी वो बाद में देखेंगे। विगत 3 दिन पूर्व कुंभराज में हुए दंगे के चलते कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के विरोध में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने गलत तरह से गलत लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि गलत लोगों पर जो मामला दर्ज किया गया है उन पर फिर से पुनः विचार किया जाए तथा इसके साथ ही जो वाकई में उपद्रवी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। कुंभराज में अभी ये 3 दिन पहले जो घटना हुई है उसमें जानबूझकर एक समुदाय ने मंदिर के पुजारी को आगे मारपीट की। मारपीट करने के बाद लोगों ने उनको समझाया तो मस्जिद पे से पथराव किया और मस्जिद पे से पथराव करने के बाद लोगों में पथराव करने लगे और मारपीट की। तो उसमें कुछ लोगों पर अपने कार्यकर्ताओं पर 436 धारा जो लगाई गई है उसमें कोई आग जान नहीं हुई, किसी ने कोई आग नहीं लगाई। 436 धारा हटाई जाए और विश्व हिंदू परिषद पुलिस का वैसे ही पूरा सहयोग करता है और जिन अपराधियों ने अपराध किया है उनके खिलाफ़ कार्रवाई की। दशहरा मैदान में पिछले 3 दिनों से रुकने को मजबूर किसान आज पहुंचे कलेक्टर विजय दत्ता से मिलने। इन किसानों का आरोप है कि विगत 3 दिनों से दशहरा मैदान में रुके हुए हैं, जहां पानी की व्यवस्था भी नहीं है और ना ही कुछ खाने और रुकने की व्यवस्था। अपनी फसल को बेचने आए ग्रामीणों का आरोप है कि टोकन देने के नाम पर उनसे 1,000 रुपए की मांग की जा रही है। वहीं जो सक्षम है और जो पैसा दे देता है उसको जल्दी टोकन दे दिया जाता है, जिससे उसकी फसल जल्दी बिक जाती है। बता दें कि कलेक्टर वी दत्ता ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत सभी किसानों को दशहरा मैदान पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचना है और उन्हें वहीं पर टोकन दिया जाएगा। उसके बाद इस टोकन के माध्यम से उनकी फसल मंडी में बेची जा सकेगी। लेकिन कलेक्टर के इस फैसले के आड़ में कुछ कर्मचारी किसान को जानबूझकर जोर अजमाइश कर पैसा वसूल कर रहे हैं, ऐसा आरोप किसानों ने लगाया है। हम इस संदर्भ को लेकर आए क्योंकि हमारे 3 दिन से पड़े हैं वहाँ पे, ना तो अभी तक कोई टोकन मिला ना कोई पर्ची वाला आया। कौन सी जगह है ये? पड़े दशहरा मैदान में। कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन हो गए। तो मंडी वाले क्या बोल रहे हैं आपसे? कोई आए नहीं रहा वहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं, कोई टोकन कोई भी मिल जाएगा तो दूसरी बात। अब 1,000 रुपये मांग रहे हैं डायरेक्ट। कौन मांग रहा है? कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कौन मांग रहा है? मांग रहे हैं, इनका बुआ रहा है, 3,000 रुपये मांग रहा है। अच्छा, टोकन मारने वाले मांग रहे हैं? टोकन वाले तो आए नहीं हमें देखने के लिए। तो फिर 1,000 कौन मांग रहा है? टोकन वाले ना रहते, टोकन वाले ना इकट्ठा हमारे पास ना मांग रहे, मतलब हो चुके हैं वो तो मंडी में। क्या कर रहे हैं?
माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का आज 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। यह दूसरी बार रहा कि 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम एक ही दिन घोषित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री आवास से इसकी घोषणा भी की गई। इस बार भी अगर पूरे परिणाम पर नजर डाली जाए तो छात्राओं ने 10वीं और 12वीं में हर वर्ष की तरह इस बार भी बाजी मार ली है। गुना में 10वीं का परीक्षा परिणाम 69.57% रहा, जबकि 12वीं का परीक्षा परिणाम 74.18% रहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गुना जिले के उत्कर्ष विद्यालय की डॉली राठौर और कन्या स्कूल बीनागंज की मुस्कान खान को मुख्यमंत्री निवास पर सम्मानित करने के लिए बुलवाया। परीक्षा परिणाम आने के बाद से सभी छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल है। स्माइल ऐसे बिल्कुल जोर से। अनियंत्रित यातायात के चलते एक बालक ने गवाई जान। यातायात प्रभारी लाख दावे ठोक रहे हो कि उन्होंने गुना की यातायात व्यवस्था सुचारू बना दी है, इसके बाद भी यातायात कितना सुचारू है प्रत्येक दिन सड़कों पर देखा जा सकता है। लगातार चालानी कार्रवाई के बावजूद भी यातायात व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है, जिसकी परिणति आज एक बालक ने अपनी जान गंवा दी। यह वाक्य सामने आया गल्ला मंडी के समीप एबी रोड पर, जब एक नाबालिग बच्चा एक डंपर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बच्चा टैक्सी से अपने परिजनों के साथ उमरी की तरफ जा रहा था, वहीं अचानक वो रोड पर गिर गया। गिरने का कारण अभी तक अज्ञात है। वहीं गिरने से डंपर की चपेट में आ जाने से बालक की मौत हो गई। शादी में कहाँ गए थे? थिरिया। किस कार्यक्रम में गए थे? क्या शादी में? शादी में गए थे। तो क्या हुआ फिर ये रास्ते में? लड़का गिर गया टैक्सी से। तो फिर डंपर वाले ने चढ़ा दिया, ट्रैक्टर डंपर चढ़ा दिया तो उसकी मौत हो गई। हेलो। और क्या? कितने साल का था? हेलो। 6-7 साल का। 10 साल का? 6-7 साल। तो कितना बड़ा लड़का है? इतनी बड़ा है वो लड़का। कितने साल का है? 10-8 साल को। 10-8 साल को। 10-11 साल को। तो उसके ऊपर का टैंकर डंपर चढ़ गया क्या? उसके ऊपर डंपर चढ़ा में से कहाँ से आ रहे थे आप लोग? जा रहे थे हम। कहाँ जा रहे थे? उमरी। उमरी जा रहे थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के चलो पंचायत महाअभियान के तहत बमोरी मंडल के ग्राम झागर के कार्यक्रम को संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। झागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। हम ये माहौल तो बना सकते हैं आपके बीच में कि सामान मत खरीदो, आप नहीं खरीदोगे दुकानदार मंगाना बंद कर देगा, माल आना बंद हो जाएगा, लेकिन सरकार ये तय नहीं कर सकती कि चीन का सामान भारत में नहीं आए। ये सरकार की मजबूरी है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते इस तरह के होते हैं। आज ब्राजील के अंदर एक एक अभी लोग बैठे किसान भाई अपने एक कुंटल में एक बीघा में 8-9 क्विंटल सोलिंग पैदा होता है। 8-9 क्विंटल तो भाव तो बोलते करते और एक एक किसान के पास 10-10 हजार 15-15 हजार बीघे जमीन है। 15-15 हजार बीघे जमीन है किसान, भाव तो बोलते करते हैं। अगर सरकार कम भी कर देगी तो और कम करके धंधा चालू कर देंगे। उन्हें तो अपना माल बेचना है जिस भाव में। आज चाहे आपके घर का रेट हो या बाजार का रेट हो, आज सरकार के हाथ में रेट है। खबर होती थी
की बार मनमोहन सिंह की सरकार ने तय कर दिया है, राहुल गांधी ने तय कर दिया है, सोनिया गांधी ने तय कर दिया है कि हम एक इंतजार को एक साथ में 6 सिलेंडर देंगे। कभी बोलते थे एक साल में 9 सिलेंडर देंगे, कभी बोलते थे एक साल में 8 सिलेंडर देंगे। भैया आपको बातें नहीं हो रही सिलेंडर की, अब तो जब किसको जितनी आवश्यकता है दुकान पर जाओ गैस सिलेंडर ले आओ। तो गैस की कमी की गई, फिर ये गैस कहाँ चली गई थी कांग्रेस की सरकार ने, वो जब मोदी जी की सरकार बनी तो मोदी जी की सरकार ने 5 करोड़ लोगों को नए गैस कनेक्शन देने का काम किया। रावगढ़ के ग्राम पंचायत धरनादा में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुशील दहीपले के कुशल मार्गदर्शन में जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन द्वारा युवाओं एवं ग्रामीणों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही जितेंद्र धाकड़ द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, फसल बीमा, सिंचाई योजना, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, तीर्थ दर्शन योजना, मजदूर कल्याण योजना, लाडली लक्ष्मी योजना आदि के बारे में भी अवगत कराया। लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री जो हमें भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, किसान पूरी दुनिया में बढ़ाई, आम जन गरीब किसान के कल्याण की कई योजना प्रारंभ की, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला रसोई की योजना, हर घर बिजली, जनधन, आम आदमी बीमा योजना, फसल बीमा योजना जैसी अनेक योजनाएँ जनता के सामने जिंदगी बदल रही है। प्रदेश सरकार जन प्रकार की नई ऊँचाई दी है, वहीं पूरे प्रदेश की व्यवस्था गाँव में शहर की विकास, शिक्षा योजना, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, आमजन कल्याण की कई योजना चलाई, देश की गरीबी बहन भाइयों को 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक हमारी सरकार। आजय 10वीं के परीक्षा परिणाम में गुना की छात्रा खुशी ओझा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। खुशी ने अपने माता पिता को अपनी जीत का श्रेय दिया। खुशी की माने तो उसने कड़ी मेहनत और लगन से की अपनी पढ़ाई के चलते यह स्थान प्राप्त किया है। सरल एवं सहज स्वभाव के धनी मुरारी ओझा ने अपनी पुत्री को पढ़ाई करने के लिए सदैव प्रेरित किया। हालांकि मुरारी स्वयं कम पढ़े लिखे हैं, इसके विपरीत उन्होंने अपने बच्चों को कभी पढ़ाई से नहीं रोका। खुशी ने अपने माता पिता की निकनियत को भांप कर पढ़ाई में जुट गई। नतीजतन उसने आज द्वितीय स्थान प्राप्त कर अपने परिवार को गौरवान्वित किया। मेरे टीचर्स को एंड मेरे पेरेंट्स को जिसने मुझे सपोर्ट किया पढ़ाई करने के लिए। सबसे पहले जब मैं क्लास 10 में मैंने एडमिशन लिया था उस समय मैं बहुत नर्वस थी, मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ कोचिंग लगवानी है, कहाँ क्या करना है। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि हाँ अपने मन में चल रहा है उसको सोचो, और फिर मैंने कोचिंग लगवाई है, मैं मेरी आगे की पढ़ाई स्टार्ट की। आगे मेरा अभी तो यही उद्देश्य कि मुझे 12th तक पढ़ाई करनी है और जॉब मुझे प्रशासनिक कार्य करना है। पहली बात तो मुझे बड़ी खुशी की बात है और अपने आप में गर्व भी है कि बच्ची द्वितीय जिले में 2nd नंबर पर रही है। खैर उसने मेहनत और उसकी पढ़ाई जो लैंग्वेज हमें पहले से ही ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं ये अपना मेरिट में आएगी एनीवे, लेकिन इस बार शायद उसका टॉपर में या वैसा नहीं रहा, या सेकंड भी है बहुत अच्छी बात है, और जो टॉप किए हैं उसको भी अपन बधाई देते हैं वो भी अपने। और रही बात उसकी पढ़ने की तो ज़्यादातर उसने पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं देखा, और हम लोग भी इतने भार देते हैं जैसे उसने बच्ची ने कहा कि पेरेंट्स का सहयोग, लेकिन पेरेंट्स का सहयोग अगर होता तो और ज़्यादा हो सकता था। हम एक्चुअल में काम में लगे रहते हैं, वो अपनी मेहनत से और अपनी लगन से ही करती रही, और मैं तो यही कहना चाहूँगा शायद ये भगवान की देनी होती है तो बच्चे कैसे आगे बढ़ते हैं। अपने 3 दिवसीय प्रवास पर आज क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंचे। गुना में पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से भेंट की, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर उनके सवालों के जवाब दिए। सिंधिया ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में और देश में जो भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रही है इसका मुख्य कारण भाजपा ही है। वहीं सिंधिया ने यह भी कहा कि गृह मंत्री के क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं हो रही हैं। वहीं रेप की घटनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया है। जब सिंधिया से पूछा गया कि नगरपालिका अध्यक्ष ने यह कहा है कि सांसद से 1 करोड़ रुपए की मांग की जाएगी नल जल योजना के लिए, जिस पर सिंधिया ने तेज तर्रार लहजे में कह दिया, सिंधिया ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें पहले पुराने पैसे का हिसाब देना चाहिए, उसके बाद अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, आगे पैसे मांगने की तो बात ही अलग है।
का स्वागत भी हमने गुना जिले में पूर्ण रूप से करवाया। मैं स्वयं उपस्थित न हो पाया क्योंकि कांग्रेस की जन आक्रोश रैली थी, आपको मालूम है। मैंने राष्ट्रपति जी से भी निवेदन किया था, इस कारणवश नहीं आ पाया। राष्ट्रपति जी देश के मुखिया हैं और उनका आदर सत्कार होना हम सबकी जिम्मेदारी। पानी को लेकर लगातार मध्य प्रदेश के कई जिले कई श्रेणियों में पिछड़े और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की। एक सांसद के रूप में जो भूमिका मुझे निभानी चाहिए वो पूर्ण रूप से मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बाद में करी कृपा कर। लेकिन चाहे कुपोषण का मामला हो, चाहे पानी की व्यवस्था का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे अधोसंरचना की कमी का मामला हो, चाहे मध्यान्ह भोजन में भ्रष्टाचार का मामला हो, ये सारी सारी चीजें प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। सांसद जी से जब प्यास बुझेगी तो क्या बोले? एक करोड़ रुपए दिलाओ। अध्यक्ष जी कह रहे थे कि एक करोड़ रुपए सांसद जी अल्पेश ठाकुर पहला मेरा एक अंतर योजना करोड़ की योजना का क्या हो रहा है। अल्पेश ठाकुर ने आए जो कांग्रेस के MLA गुजरात के, एक तो उनने ये अपनी स्वयं नाकामियों को छुपाने के बदले में दूसरी मांग कर रहे हैं, पहले त्याग पत्र दें वो। अल्पेश ठाकुर जो गुजरात के MLA हैं कांग्रेस के, उनने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग जब भी समर्थन करेगा जब हमारी मांगे घोषणा पत्र के अंदर शामिल कर दी जाएंगी एक, और यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में ज्योतिराज सिंधिया को प्रोजेक्ट किया जाएगा, तब हम लोग अल्पेश जिग्नेश एंड हार्दिक हम लोग तो सपोर्ट करेंगे। इसको आप कैसा मान? मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूँगा, और मुझे तो आश्चर्य है कि आप लोग मुझसे यह प्रश्न कर रहे हो, क्योंकि मुझसे अगर देश में कोई सबसे ज़्यादा हरिवार की परिचित है तो आप लोग। ना मेरी ये सोच कभी रही है, ना विचारधारा रही है। मैं स्वयं क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता के लिए सदैव कार्य करता हूँ। ना मुझे पद की कभी लालच नहीं थी, ना है, ना भविष्य में रही। सर डीजे ना, मैं आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।